अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर रायोनिक गेमिंग कहते हैं कि जी मैं हैकिंग से पैसा कमाना चाहता हूं। मैं 15 साल का हूं, मैं 10 साल का था तब से मैं हैकिंग जानता हूं। अगर आप हैकिंग जानते हो और पैसे कमाने तो द मोस्ट ईजीएस्ट वे इज़, और मैंने इस साल किसी को पैसे भी दिए, पिछले 2020 में मैंने किसी को पैसे भी दिए थे। ये कुदरती बंदा आया मेरे पास, एक वेबसाइट है मेरी जो आप नहीं जानते, उसमें वो गया, उसको उसने उसकी वनरेबिलिटीज़ देखी, ठीक है, सॉफ्टवेयर सी रन की, एमईसी सॉफ्टवेयर रन की, वो सारी की सारी वनरेबिलिटीज़ बता देती है। और उसने कहा यार ये चीज़ है, हमें पता था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वनरेबिलिटीज़ क्या है, उसमें कोई हाथ तो नहीं नज़र आया, लेकिन मैंने कहा यार कम से कम इसने कोशिश तो की, तो मैंने उसको $50 टिप दे दिया, ठीक है। मैंने कहा ये साइट्स कर दो, उसके भी मैंने $50 टिप दे दिए। तो मैंने कहा अगर वाकई कोई वनरेबिलिटी निकाल सकता है, नहीं तो कम से कम मेरी $50 में वो तो हो जाएगी, वो यानी मुझे सुकून तो आ जाएगा कि यार कोई वनरेबिलिटीज़ नहीं है, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऐसी तो नहीं है जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। सेम थिंग आपको कहूँगा, जाओ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ढूंढो, क्या कहते हैं बिजनेस की वेबसाइट ढूंढो, यार ये आपकी वेबसाइट है, ये चीज़ बड़ी आसानी से हैक हो सकती है, कहें तो मैं ठीक कर देता हूँ, या ये किसी से ठीक करवा लें। अगर आपको मेरा मशवरा अच्छा लगा तो भाई कोई इनाम छाप, सिंपल। फेसबुक पे ये जितने टॉप रशियन क्या कहते हैं हैकर्स हैं, फेसबुक से इन्होंने मिलियंस कमाए, क्योंकि फेसबुक की बाउंटी अगर रखी हुई है कि जी हमें कोई मेजर फॉल्ट बताओगे हमारे कोड में तो पता नहीं हम $1,00,000 या $1,000,000 इस तरह आपको देंगे। तो ये सिर्फ बग ढूंढते रहते हैं, और क्या कहते हैं अगर इनकी कभी लग जाए तो माशाल्लाह दे अर्न मनी दैट वे, अदरवाइज देयर इज नो मनी, यानी यार कमाल ही किसी को रखना पड़ेगा थ्रू हैकिंग। ओके, इट्स अ गुड स्किल, लेकिन और स्किल्स ढूंढो। अब तोड़ने का देख रहे हो ना, कमजोरियां निकाल रहे हो, अब लोगों को जोड़ के जो देने वाली चीज़ है डेवलपिंग, वो सीखो, क्योंकि ये दोनों साइड बाई साइड जाते हैं, ताकि आप कल को एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहीं हायर हो सको। कहीं आप हायर होंगे तो कहेंगे अच्छा जी ये आप में कमजोरी है, ऐसे ठीक करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, अस्सलाम वालेकुम।